दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों और जितने हमारे नए सब्सक्राइबर हैं सबका स्वागत करता हूँ, सभी विद्वानों को प्रणाम। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो इस चीज़ के ऊपर बनी है क्योंकि YouTube और अन्य अन्य प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो मसान की साधना, शमशान जागरण की, मसान जगाने की साधना, कच्चे कलुए की साधना, कलुआ वीर की साधना, काले मसान की साधना जो दी जाती है, या पीलिया मसान, हल्दिया मसान, या तेलिया मसान की जो साधना दी जाती है वो अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। इस साधना से रोकना मेरा अभिप्राय नहीं है, लेकिन जो बातें किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बताई जाती हैं शब्दों द्वारा, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो बातें उतना सही नहीं होती, और जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज़ को वो उतना सफल नहीं हो पाता। मसान को जगा लेना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, मसान को कोई भी जगा सकता है, कोई अनजान व्यक्ति भी जगा सकता है। थोड़े से ध्यान और परिश्रम की आवश्यकता होती है। काम तो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें कभी इस पहलू के ऊपर गौर नहीं की जाती कि मसान अगर जाग जाए, उसे कंट्रोल ना किया जाए, तो आदमी के पूरे जिंदगी को, कैरियर को चौपट कर सकता है। मसान जगा लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन मसान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति अपने घर और अपने कुल के देवताओं को छोड़ के मसान की साधना में लिप्त होता है, वैसे वैसे कुछ समय बीतने के बाद उसको मसाणवास होना चालू हो जाता है। फिर ये मसाण, क्योंकि अगर दिव्य दृष्टि नहीं होगी तो इस मसाण को आप रोक नहीं पाओगे। मसाण या तो आपको पथ भ्रष्ट कर देगा, कुछ शमशानिक ऊर्जाएं आपके अंदर प्रवाहित होने लगेंगी, वो परमानेंट होंगी और आपका इलाज कहीं से नहीं होगा। पिछले साल मेरे पास एक रोगी आया। वैसे मैं किसी रोगी की बात किसी से नहीं करता हूँ, ना मैं प्रमोशन के लिए किसी के अनुभव डालता हूँ। पिछले साल मेरे पास उत्तर प्रदेश से एक रोगी आया जिसको मसाणवास था, और उसके शमशान जागरण करने के कारण उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। बहुत अधिक जगहों पर जाने के बाद भी उसे आराम नहीं आया, घर का पूरा पैसा बर्बाद हो गया उसका, दर दर के धक्के खाने पड़े। फिर जाके किसी विद्वान से बात हुई और उन्होंने उसका इलाज किया। दोस्तों सिर्फ लालच के लिए या कुछ परिस्थितियों को बदलने के लिए आप ऐसी साधनाएं, ऐसी उग्र साधनाएं, हमारी विवशता है इस विषय के ऊपर वीडियो डालना, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा, करण पिशाचिनी और मसाण की साधनाएं ना की जाएं तो उत्तम है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। क्योंकि कुछ कुछ उग्र प्रयोगों को कर लेने से मनुष्य जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, किसी किसी में मृत्यु हो जाती है। ऐसे मेरे पास चार पांच केस आ चुके हैं जिनसे इन शक्तियों के जाग जाने पर कंट्रोल न करने के कारण और ऐसी मानसिक विक्षिप्तता जो है उनके जीवन में आई, बहुत ही कठिनाइयों से उन्हें ठीक किया गया। आपसे करबद्ध निवेदन है, जब तक आपके गुरु आपको आदेश न करें, जब तक आप पूर्णतः मार्गदर्शन न लें, तो मसाण जागरण ना करें। हालांकि तंत्र विद्या में प्राथमिक तौर पे अगर किसी के पास मसाण नहीं होता है तो उसे प्रथम दृष्टि में ही अयोग्य मान लिया जाता है, क्योंकि जो काम होते हैं वो मसाण के जरिए होते हैं, ये बेस होता है, लेकिन बेस बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए मेरी एक आपको चेतावनी, एक सलाह है कि मसाण की साधना अपने गुरु के निर्देशन में ही करें। जय सियाराम, जय जय सीताराम।